मुंबई से सटे मीरा रोड में समाज सेवक अरविंद उपाध्याय ने अपना जन्मदिन गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटकर उनके बीच मनाया और अपने जन्मदिन की संध्या पर अखंड रामायण और भजन संध्या का आयोजन किया, जहां पर उन्हें बधाई देने हर पार्टी के लोग पहुंचे। तो आइए सुनते हैं अपने जन्मदिन के मौके पर समाज सेवक अरविंद उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। अरविंद जी एक युवा समाजसेवी हैं। इन्होंने 48 घंटे का एक ऐसा अद्भुत अद्वितीय यज्ञ किया है जो कि लोग जन्मदिन के समय में सोच भी नहीं सकते। इन्होंने एक तो धार्मिक अनुष्ठान किया, संपूर्ण रामायण, उसके अलावा इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया है दिव्यांगों के लिए। आज ऐसे अनाथ लोगों की, ऐसे दिव्यांगों को सहायता देने की बहुत बहुत ही अधिक आवश्यकता है। इन्होंने सबको कंबल वितरण किया, मैं भी उसमें इनके साथ था जो कंबल वितरण किया गया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कई वर्षों से ऐसे सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं और सक्षम हैं और समाज में इनकी बहुत प्रतिष्ठा है, इनके इनका सम्मान है और ब्राह्मणों में भी एक अच्छा स्थान रखते हैं और बहुत पूजनीय है। उपाध्याय जी जो है अपने समाज के लिए एक अनमोल रत्न है। समाज में पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास है, पूरे उत्तर भारतीय समाज में पैसों की भरमार है लोगों के पास, लेकिन कार्य करने की इच्छा शक्ति जो इन्होंने दिखाया है और जो समाज के बीच में इन्होंने अपना स्थान बनाया है वो अतुलनीय है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं जन्मदिन के मौके पर उनको उत्तर भारतीय एकता मंच की तरफ से, हमारे शिवसेना की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि समाज के और भी लोग इसी तरह आगे आएं और समाज में एक अच्छा संदेशा दें, अच्छा काम करें। इसके लिए अभी मैं उत्तर प्रदेश से सीधे आया, गाड़ी भी काफ़ी लेट थी और वहाँ से सीधा यहीं आया, इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना था। आपके माध्यम से भी मैं और पूरे अपने समाज के माध्यम से इनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अरविंद भैया का जब नाम आता है उत्तर भारतीय समाज में या समाज सेवा में तो अपने आप एक गौरव महसूस होता है उनका नाम लेने के बाद, क्योंकि उनमें जो ऊर्जा है उससे हमको प्रेरणा मिलती है। जिस तरह वो 24 घंटे लगातार सेवा में लिप्त रहते हैं, मतलब आप जब देखिए तब वो किसी ना किसी कार्य में लिप्त है, तो वो एक सराहनीय कार्य है। जिस तरीके से वो हर मंगलवार सुंदर कांड करते हैं, हम सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उससे हमको गर्व महसूस होता है। अभी बर्थडे के लिए उन्होंने जो 48 घंटा उन्होंने जो कंबल वितरण किया है और जो उन्होंने दिव्यांगों के लिए कंबल वितरण किया है, ये सोच सबके पास नहीं है। बर्थडे आप फाइव स्टार होटल में चले जाइए, होटल बुक कर लीजिए, अच्छे से केक काट लीजिए, अच्छे से खाना खा लीजिए, बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, पर ऐसी सोच रखना हमें अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपना ना सोच के आज का दिन भी दूसरों को समर्पित किया। उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने दूसरों के लिए सोचा। तो ऐसे इंसान को मेरा कोटि कोटि नमन है। माता रानी के चरणों में मैं यही प्रार्थना करूँगा कि अरुण भैया को लंबी आयु दे और उनको इसी तरह सक्षम रखे कि वो दूसरों की कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहे। देखिए, मुझसे पहले विनय जी ने जैसे बताया, जन्मदिन तो लोग अपने अपने स्तर पे मनाते रहते हैं, चाहे वो उसकी आर्थिक स्थिति जो भी हो। अरविंद से बहुत बड़े बड़े पैसे वाले पड़े हैं और बहुत धनाढ्य वर्ग भी है यहाँ पर, चाहे वो उत्तर भारतीय समाज हो, दक्षिण भारतीय जो भी हो, सर्व समाज की मैं बात करता हूँ। लेकिन अरविंद जी के अंदर की जो ऊर्जा है वो अनुकरणीय है, उसका अनुकरण करने योग्य है। हम लोगों को खुद फख्र होता है कि ऐसा हमारा छोटा भाई है। और अपने जन्मदिन के अवसर पर यदि कोई इस तरह का कार्य करे कि ठंडी के सीज़न में मजलूमों को वो कंबल वितरण करे, इस ठंड के सीज़न में जो फुटपाथ पर सोते हैं उनके प्रति उसके मन में करुणा के भाव हों, उसके मन में मर्म जागे, तो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ अरविंद उपाध्याय जी को और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ उनके जन्मदिन पर। धन्यवाद। बताइए, सब तामझाम कैसे नहीं है? राम जी का काम से बड़ा कोई तामझाम हो सकता है क्या?
पार्टियां से बढ़ के राम जी हैं, राम जी हमारी मर्यादा है, राम जी हमारी जीवन शैली है, और राम जी का काम करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये संस्कार में आता है, ये समाज के लोगों से ले हुई प्रेरणा से आता है, ये अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आता है, ऐसे भाइयों के आशीर्वाद से आता है, ऐसे छोटे अनुजों की प्रेरणा से आता है, और हमारे पिता तुल्य बैठे थे जो भी आपके पीछे दिनेश बाबू जी और हमारे बड़े भाई अशोक तिवारी जी, ऐसे लोगों की सानिध्य से आता है, बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और हम लोग ने एक संकल्प लिया है, जीवन का हर छल हर पड़ समाज की सेवा में तत्पर है, और जब जब, क्योंकि हम लोग ऐसे डरते हैं, सोचते हैं ऐसा कुछ क्या कर दें, गलतियां ना हो जाए कि समाज को लगे यार अरविंद उपाध्याय ने और ये कर दिया, तो ये चीज़ों से हमको बहुत डर लगता है। समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए जीवन का हर पल समाज को समर्पित है, अपने परिवार को देखते हुए, ऐसा कि नहीं कि अपने परिवार को छोड़ के, हम किसी को भी संदेश नहीं देंगे कि अपने परिवार को छोड़ के कोई कार्य करें, नहीं, वो अपने आप को पहले मजबूत करें। जैसे कि हमारे दिनेश बाबू जी हमें बार बार समझाते हैं कि भाई कोई कार्य परिवार को पकड़ के पहले करो, पहले परिवार को मजबूत करो, तब समाज की काम बात करो। तो हाँ, नो डाउट, जीवन का 24 घंटा समाज को हम नहीं दे सकते, जीवन का एक सिस्टम होता है जीने का, और उसी जिस सिस्टम पर हम लोग चल रहे हैं, ईश्वर की झोली, ईश्वर ने हमें झोली में जो कुछ दिया है वो झोली से कुछ निकाल कर समाज को दें और एक संदेश जाए सुंदरकांड के माध्यम से, धर्म के एक ऐसा माध्यम है, ईश्वर के सिवाय कहीं मन लगाओगे लाश में पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस चमड़े की गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी है, इस कपड़े की गारंटी है। तो हम लोगों ने एक धर्म का माध्यम चुना है, और एक संदेश युवाओं को जाना चाहिए कि युवा अरविंद उपाध्याय से प्रेरणा ले, शैलेश हमारे संजय भैया से प्रेरणा ले, विनय दुबे से प्रेरणा ले, दिनेश चंद बाबूजी से प्रेरणा ले, और तो और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे बहुत सारे कार्य जो होंगे जो समाज को एक संदेश जाएगा धर्म के माध्यम से और सेवा के माध्यम से।